तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जो कि मैंने मोबाइल से शूट किया है मोबाइल से ही एडिट किया है कलर ग्रेडिंग वी एफ एक्स सब कुछ मोबाइल से किया है और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये सब कुछ हमने कैसे करा अभी आपको सारे बैंडर सीन भी देखने को मिल जाएंगे तो गाइस अभी हम लोग अपनी टीम के साथ निकल चुके हैं जवान पार्ट टू के रीमेक के लिए वीडियो शूट पर जाने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी यहाँ पर जैसा कि पहला ये हो गया क्रॉसबो क्योंकि पहला सीन ही इसका है एक तिर आकर लगती है तो इसे मैंने खुद से घर पर ही बनाया है तो अभी आप देख सकते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है यहाँ पर मैंने अपने ट्राईपॉड की एक लेग को यूज़ कर लिया है क्योंकि वो टूट गया था बट इस्टी मुझे वापस से जोड़ना भी है तो इसमें मैंने ऐसे कुछ बनाया बहुत ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल में नहीं जाने वाले हम क्योंकि अभी हमारा वीडियो का टॉपिक कुछ और है अभी आपको वीडियो के बारे में बताना है बाकी और भी कुछ मैंने बनाया जैसे कि ये एक चाकू बनाया है बड़ा सा सब कुछ प्लाईवुड से बनाया है मैंने और जो भाला का सीन है वो मैंने बनाया है एक एलमिनियम के पाइप से और भाले के आगे का जो हिस्सा है वो मैंने बनाया है प्लाईवुड से और फिर उसको बाद में पेंट कर दिया ब्लैक कलर में तो गाइज़ फ़ाइनली अभी हम लोग अपनी लोकेशन पर आ चुके हैं और ये लोकेशन आपने पहले भी एक मूवी में देखी होगी हमारी जिसमें हमने एक हॉरर मूवी शूट की थी तो अभी हम अपना शूट शुरू करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना अगर आप स्किप करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना कैसे हमने मोबाइल से इसको एडिट किया वी किया सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ तो अभी जो पहला सीन है हमारा वो क्रॉस बो वाला शूट होने वाला है जहाँ पर एक एरो निकल कर जाता है तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हम कुछ इस टाइप से इसमें धूल लगा ले रहे हैं ताकि जब इसे हम फायर करें तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है और स्लो मोशन में वीडियो काफ़ी अच्छी दिखे हेलो तो दो तीन रिटेक्स के बाद एक हमें परफेक्ट शॉट मिल चुका है अब जो अगला सीन है वो ये है कि हमें एक बंदे के तीर लगते दिखाना है गर्दन में तो उसको मैंने कैसे रिकॉर्ड एंड एडिट किया अभी मैं आपको बता देता हूँ तो पहला जो इम्पैक्ट सीन है जहाँ पर एरो आकर लगती है वो मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड करा लिया सिर्फ एक्टिंग करा के कि तीर जैसे लग रहा है उसकी एक्टिंग करना है और फिर फ्रेम से आउट हो जाना है अब जो नेक्स्ट सीन था जहाँ पर बॉडी ज़मीन पर गिर रही है वहाँ पर मैंने क्या किया गर्दन के पीछे से इस तीर को चिपका दिया आप बॉडी टेप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी तरीके से भी आप लगा सकते हैं तो कुछ इस तरह से हमने इस तीर को लगा लिया और जो कैमरा एंगल है उसे हमें बिल्कुल सामने रखना है ताकि तीर ज़्यादा दिखे ना कि इसके गर्दन के पीछे से आ रहा है और हम वो जो पार्ट है जहाँ पर ये गिर रहा है उसमें एडिटिंग में इसे तेज़ भी कर देंगे ताकि ज़्यादा चीज़ें नोटिस ना हों और जब तीर आता हुआ लगता है गर्दन में वो मैंने क्रिएट किया वीडियो एडिटिंग से तो मैंने इस वीडियो को इंपोर्ट कर लिया था उसके बाद मैंने क्या किया जो तीर हमने इसके पीछे लगाया है उसका ये एक पीएनजी इमेज बना लिया तो अगर आपके पास कोई डाउनलोड किया हुआ फ़ोटो है तीर का और उसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार है तो आप उसकी क्वालिटी को इनहेंस भी कर सकते हैं इसके लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे हिटपा ए फोटो इनहेंसर तो आपको क्या करना है इसके बाद इस पर क्लिक करना है देन आपको अपनी इमेज को चूज़ कर लेना है तो अभी मैं आपको कोई भी इमेज को एक एनहेंस करके दिखा देता हूँ कि आपको कैसे अपनी इमेज को इनहेंस करना है तो यहाँ पर अभी मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर ली है अभी आप देख सकते हैं इसके पिक्सल कुछ खास नहीं है बट जैसे हम इसको सिलेक्ट करके एनहेंस करेंगे तो थोड़ी देर लोडिंग होगी उसके बाद आप देखेंगे जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है आपकी एक बेकार सी इमेज को एकदम इतना अच्छा सा बना देता है जितने भी पिक्सल्स हैं वो सारे इनहेंस हो जाते हैं ए की मदद से तो आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री है तो तीर वाला पी इमेज इम्पोर्ट करने के बाद मैंने की फ्रेमिंग की मदद से इसको एनिमेट करा लिया गर्दन की तरफ आते हुए और दूसरी तरफ से निकलते हुए और वहाँ पर मैंने कुछ ब्लड भी लगा दिया था बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो तीर है वो गर्दन के सामने से दिख रहा है तो मैंने क्या किया सबसे पहले यहाँ पर वीडियो को सेव कर लिया इसके बाद मैंने यही सेम वीडियो बिना तीर के भी एक बार सेव कर लिया अब मैंने कैपकट एप्लीकेशन को इस तीर वाली वीडियो को इम्पोर्ट कर लिया और एज अ वीडियो लेयर मैंने जिसमें तीर नहीं थी उस वीडियो को इम्पोर्ट कर लिया अब लेयर वाली जो वीडियो है कटआउट वाले ऑप्शन में जाकर इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया तब आप देख सकते हैं जो हमारा तीर है वो गर्दन के पीछे से आता हुआ दिख रहा है और फिर मैंने इसे एडिटिंग में थोड़ा सा फास्ट कर दिया था तो वीडियो में यहाँ पर दिखाया कि एक गांव पर हमला हो गया तो हिसाब से हम कुछ ऐसे सीन भी ले लेंगे जहाँ पर तीर लगने के बाद कुछ लोग भाग रहे हैं और कुछ जो अटैकर्स हैं वो अटैक कर रहे हैं गांव वालों पर अब यहाँ पर जो ये सीन है बाइक वाला के जो गुंडे हैं वो बाइक से कैसे घसीट रहे हैं एक बंदे को वो कैसे रिकॉर्ड किया ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो यहाँ पर एक बाइक पर दो बंदे आते हैं और पीछे एक गांव वाला उधर भाग रहा है ताकि हम कुछ डिटेल्स दिखा सकें जब अटैक होता है तो लोग इधर उधर भागते हैं पर जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो अभी बाइक वाला है तो यहाँ पर जो दो बाइक पर बंदे हैं वो इस बंदे का कॉलर पकड़ कर घसीट रहे हैं इसके बाद जब ये बंदा ज़मीन पर गिर जाता है उसे मैंने कैसे रिकॉर्ड किया तो यहाँ पर हमने एक ट्रे ले ली जो कि एक कूलर की ट्रे है उसमें रस्सी को बांध लिया उसके बाद उस बंदे को इस पर बिठाया और फिर हमने रस्सी को पकड़ाया जो बाइक पर बैठा हुआ बंदा उसको तो अब हम बात कर लेते हैं इस भाले वाले सीन की अगर आपको और भी सीन की डिटेल वीडियो चाहिए तो आप बता देना कि भाई इस सीन को कैसे रिकॉर्ड और एडिट किया तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर एक अलग से वीडियो ले आऊँ तो अभी हम बात कर लेते हैं इस वाले सीन की क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और हमें काफ़ी ज़्यादा सीन अभी आपको बताना है अब यहाँ पर आता है असली चैलेंज कि भाई भाले को कैसे लगता हुआ दिखाएँ और कैसे उसके बॉडी के आर पार दिखाएँ तो अभी यहाँ पर जो ये भाला है इसे हमें दो टुकड़ों में दिखाना है तो ये भाला भी हमारे पास था और ऐसे पाइप और भी थे तो मैंने क्या किया इस पाइप में इस वाले भाले का जो आगे वाला हिस्सा है वो इसमें लगा लिया था देन यहाँ पर मैंने एक सिल्वर का तार लिया तो अभी आप देख सकते हैं इसे मैंने कुछ ऐसा शेप दिया जो कि हम इस शर्ट के अंदर कर सकें तो इस तार में मैंने दो माउंट बना दिए थे जिसमें हमारा भाले का जो पाइप है वो दोनों तरफ लग जाएगा तो आगे की तरफ हम बटन वाले हिस्से में से निकाल सकते हैं बट पीछे की तरफ आपको शर्ट का बलिदान देना पड़ेगा आपको एक छेद करना पड़ेगा जहाँ पर ये आपका पाइप आकर लगेगा इस वाले तार में तो अभी आप देख सकते हैं यार ये कितना डरावना और क्रिएटिव लग रहा है तो भाई ऐसे करके रोड पर मत चले जाना वरना पब्लिक का कुछ ऐसा रिएक्शन होगा तो इससे पहले मुझे भाला आते भी दिखाना है तो वो मैंने कैसे करा उसे मैंने करा है एडिटिंग से तो मैंने ऐसे ही एक सिंपल खाली शॉट रिकॉर्ड कर लिया था जिसमें हमारे एक्टर को सिर्फ एक्ट करना है कि उसके भाला आकर लग गया बाकी का काम हमने की फ्रेम एनिमेशन से किया था तो अब बारी आती है हमारे जवान को रेडी करने की यानी कि बैंडेजेस लगाने की अब इतने ज़्यादा बैंडेजेस कहाँ से लाएं भाई इतना हमारा बजट नहीं है तो कुछ तो हमने ख़रीद लिए थे बाकी का पता है हमने क्या करा ख़ुद ही देख लो तो भाई हमारा जवान घर से चुरा लाया था एक चादर और उसको हमने छोटे छोटे पीसेस यानी कि बैंडेजेस बना लिए हैं और ये बिल्कुल देखने में असली लग रहे हैं कोई नहीं कहेगा भाई ये एक चादर है तो आप ख़ुद ही देख सकते हैं फिर इस सीन के बाद हमने रिकॉर्ड की जवान की एंट्री जो कि काफ़ी ज़्यादा मासी है तो इस सीन के लिए हमने चढ़ाया जवान को इसकी छत पर और ये थोड़ा सा रिस्की था बट हमने अच्छे से देख लिया था कि भाई इस पर चढ़ना ठीक रहेगा या फिर नहीं उसके बाद ही हमने ये एक्शन लिया है तो ये सीन रिकॉर्ड करने के बाद हमने इसका स्काई रिप्लेसमेंट भी कर दिया था वी एन वीडियो एडिटर से तो स्काई रिप्लेसमेंट करने से पहले आपको शूटिंग के टाइम ये ध्यान रखना है कि आपका स्काई इस बैकग्राउंड में क्लियर दिखना चाहिए तभी आप इजीली इसका जो स्काई है वो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं अब आता है एक और चैलेंजिंग सीन जो कि है इसको जंप कराना नीचे की तरफ़ भाई ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद बहुत ज़्यादा टेक्स बेकार होने के बाद और बहुत सारी कोशिशें बेकार होने के बाद फाइनली हमने इस सीन को भी क्रिएट कर लिया तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक सिंपल वीडियो रिकॉर्ड कर ली जहाँ पर हमारा एक्टर नहीं है इस बिल्डिंग के ऊपर तो मैंने कैमरे को ऊपर से नीचे की तरफ लाते हुए एक वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा ट्रिक का यूज़ करा हमने जवान को ऐसी जगह से कूदाया जहाँ से कूदना आसान हो और हम अच्छे से उसे रिकॉर्ड भी कर पाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल को नीचे रख दिया है और यहाँ पर मैंने स्लो मोशन में इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है और वाइड एंगल लेंस से रिकॉर्ड की है तो यहाँ पर इसके बाद हमारा जो जवान है वो इस मोबाइल के ऊपर से कूद रहा है लेकिन आपको थोड़ा सा एक्शन का ध्यान रखना है जो कि जवान ने अच्छे से किया है स्लो मोशन में इसे एक्सपोर्ट करने के बाद हमने वापस से इसे कैपकट में इम्पोर्ट कर लिया और हमने इसके बैकग्राउंड में एक ग्रीन इमेज भी रख ली अब हमने क्या करा सिंपली इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर दिया कटआउट वाले फ़ीचर से अब यहाँ पर हमारी ये ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो तैयार हो चुकी है और जो इसकी ओरिजिनल वीडियो है वो भी हमें काम में आएगी अब मैंने क्या किया था जब ये बंदा कूद रहा है तो मैंने वहाँ पर एक रिएक्शन डाल दिया था इस वाले एक्टर का ताकि हम इस वीडियो के बीच में दूसरी वीडियो ऐड कर सकें और फिर हमें इसका कट मालूम ना हो तो यार इस दिन के लिए एक लाइक तो बनता ही अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना तो जैसे ही जवान की लैंडिंग हुई उसके बाद कुछ सिनेमेटिक शॉट्स ले ली हमने ताकि हम म्यूज़िक के साथ उसे लगा सकें तो अब आता है फ़ाइट वाला सीन इससे पहले ही मैंने इसका जवान का एक रीमेक किया था जिसमें मैंने फ़ाइट वाले सीन को अच्छे से दिखाया कि आपको कैसे रिकॉर्ड और एडिट करना है तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं तो जब आप फ़ाइट सीन को रिकॉर्ड करें तो आप उस सीन को पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि आपको कैसे रिकॉर्ड करना है आपके एक्टर को भी मालूम होना चाहिए और जितने भी उस सीन में वहाँ पर एक्टर हैं सभी को मालूम होना चाहिए कि पहले किसका सीन है पहले किसको क्या करना है किसको भाला चलाना है किसको आकर फाइट करना है तो ये सीन पहले से आपको पता होंगे तभी आप अच्छे से इसे रिकॉर्ड कर पाएंगे तो भी आप देख सकते हैं जो हमारे एक्टर हैं वो आराम आराम से जो एक्शन है वो कर रहे हैं बट एडिटिंग में कैसा लग रहा था कि भाई बहुत ही इंटेंस फाइट चल रही है तो ये सारा जादू हम स्पीड रैम से करते हैं एडिटिंग में और ये जो आप अभी कलर ग्रेडिंग देख रहे हैं साथ में ये भी मैं आपको बता दूंगा मैंने कैसे की है और कौन सा लट यूज़ किया है अब फाइट में लड़ते लड़ते जो जवान का फेस है वो रिवील हो जाता है जो उसके बैंडेजेज़ होते हैं वो जल गिर जाते हैं वो सीन कैसे अभी मैंने रिकॉर्ड किया है और कैसे एडिट किया है मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर हमने दो मशाल बना ली हैं जो कि हम इस सीन में इसका यूज़ करने वाले हैं तो अभी आपको अपने कैमरे का एंगल ऐसे रखना है कि आपकी मशाल दिखे ना कि इस एक्टर के लगी या फिर नहीं और आपका जो एक्टर है वो उसके फेस के वो इस मशाल को काफ़ी दूर से रखेगा एक्टर के ताकि भाई उसके लग ना जाए और अगर आप कुछ ऐसा सीन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भाई आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको काफ़ी दूर मशाल रखना है बट जो आपका एंगल है कैमरा का वो इस साइड में रखना है ताकि भाई पता ही ना लगे कि उसके मशाल लग रही है या फिर नहीं तो इस सीन को कट करने के बाद मैंने क्या किया था जो हमारा जवान है उसकी जो फेस वाली बैंडेजेज़ हैं या पट्टी है वो मैंने खोल दी थी उसके बाद फिर से हमारा एक एक्टर मशाल लेकर आया था देन जवान जो है उसकी मशाल को रोक लेता है और फिर उस एक्टर को भी मार देता है अब यहाँ पर जो आग वाला सीन है वो मैंने एडिट किया है कैपकट से और अगर आपको सेम ऐसे ही एडिट करना तो अभी आप देखते रहिए वीडियो को और जो भी मैंने इसमें एसेट्स यूज़ किए हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो अब यहाँ पर मैंने उस वीडियो क्लिप को इंपोर्ट कर लिया अब जैसे ही हमारे जवान की ये मशाल लग रही है यानी कि फेस के पास आ रही है मैंने क्या किया एक आग का इंपैक्ट लगा दिया बड़ा सा एकदम रोशनी होती है ताकि ऐसा लगे ये मशाल टकरा रही है उससे रोशनी निकल रही है देन थोड़े से जो फायर पार्टिकल्स हैं उन्हें मैंने ऐड कर दिया और इन्हें ब्लेंडिंग मोड पर कर दिया था ताकि जो इनका बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए अब जैसे ही जवान के मशाल लग रही है तो यहाँ पर हमें इसके सर में भी आग लगाना है तो यहाँ पर मैंने एक और वीडियो लेयर ले ली और ब्लेंडिंग मोड से इसका भी बैकग्राउंड हटा दिया अब मैंने क्या किया ये जो आग है इसे मैंने एनिमेट कराया है जवान के सर के साथ में तो एनिमेट कराना आसान है बट आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगाना पड़ेगा तो आप की फ्रेम एनिमेशन की मदद से इसको एनिमेट कर सकते हैं जवान के सर के साथ साथ अब यहाँ पर सीन हमारा कट हो जाता है अगली वीडियो में फिर से जवान का जो फेस है वो आग के साथ दिख रहा है बट हमें वहाँ पर आग को हटाना भी है तो वहाँ पर मैंने की एनिमेशन की मदद मतलब से उस आग को फेड आउट कर दिया था पहले दिखाया था ताकि हम पिछले वाले सीन से उसको मैच करा सकें फिर हमारे जो आ, आग के पार्टिकल्स हैं वो जवान के पीछे से गिर रहे हैं मतलब ऐसा ना लगे कि हमने लेयर सामने सामने लगा दिए तो उसके लिए मैंने क्या किया था जो हमारी वीडियो लेयर है इसे डुप्लीकेट करके इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर दिया था कैपकट एप्लीकेशन से और जो आग के पार्टिकल्स हैं इसे हमने इस वाली लेयर के पीछे कर दिया था ताकि जो हमारी आग है वो जवान के पीछे से गिरती हुई दिखे तो ऐसे ही हमने पूरा वीडियो शूट कर लिया था और जितना भी वी वगैरह का काम था वो हमने अलग वीडियो क्लिप में उसको एडिट करके देन हमने सारी वीडियोज़ एक साथ मर्ज कर ली थी वी वीडियो एडिटर में अब जितने भी फ़ाइट सीन थे उसे मैंने अच्छे से स्पीड रैंप कर दिया था ताकि फ़ाइट और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगे और जहाँ पर स्लो मोशन इफेक्ट लगाना था वो भी मैंने स्लो मोशन में कर दिया था अब इसके बाद हमें चाहिए थे कुछ साउंड इफेक्ट जो कि हमारे वीडियो में लग सकें तो मैंने बहुत सारे साउंड इफेक्ट यूट्यूब पर ही सर्च कर लिए थे और कुछ मेरे पास पहले से ही थे तो मैंने इसमें अच्छे से साउंड डिजाइनिंग कर लिया और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका था अब बारी आती है कलर ग्रेडिंग की तो कलर ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले फ़िल्टर वाले ऑप्शन में जाकर जितना भी एडजस्टमेंट है वो मैंने कर लिया था अगर वीडियो में कहीं पर ज़्यादा हाईलाइट्स हैं तो मैंने हाईलाइट्स कम कर लिए शेडोज़ बढ़ा ली या फिर जहाँ पर ज़्यादा ही कुछ रोशनी दिख रही है वहाँ पर मैंने एक्सपोज़र को भी थोड़ा सा कम कर दिया था और सभी वीडियोज़ में मैंने विनेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया था अब जो मैंने फिल्टर यूज़ किया है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो भी मैंने लेट यूज़ किया है तो लेट अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं वीडियो कुछ ऐसी दिखने लगी बट यहाँ से पूरा काम नहीं चल रहा था कलर ग्रेडिंग का तो मैंने क्या किया इस वीडियो को पूरा एक्सपोर्ट कर लिया देन मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा और कलर ग्रेड किया थ्री डी लेट एप्लीकेशन में तो आज की वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही क्रिएटिव कॉन्टेंट क्रिएट करता रहता हूँ और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो यार जल्दी से कर लो यूजर नेम से मैं एट मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जब तक लिए बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग जो शूट है वो कम्प्लीट हो चुका है और इस जवान की जो हालत है वो बद से बदतर हो बदता से मैं बूढ़ा हो गया इसी शूट में सही बता रहे हो <laughs> जवान की सारी जवानी गई <laughs> ब्लेड दे दे तुम तो भी नहीं